एक हवा में उड़ते टारगेट का सिग्नल मिल रहा है। वो साउथ की ओर से नॉर्थ की ओर जा रहा है और उसकी स्पीड है 2.5 knots। ऊंचाई है 4 meters और वो भी बढ़ रहा है। अब 5 meters, 6 meters। प्राइवेट, तुम्हें पता है ना मुझे सिर्फ फुट और इंच वाली भाषा समझ में आती है। टारगेट की पहचान हो रही है। मेरे ख्याल से फिर से एक लाल वाला ही हाथों से निकला जा रहा है स्किपर। हमेशा लाल वाले ही क्यों होते हैं? मेरा बलून। तैयार हो जाओ अभी। साथियों, आज का हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा। लेकिन सुनो साथियों, मुझे ये पूछना ही होगा, क्या हम बड़ी हलचल के लिए तैयार हैं? बड़ी हलचल? शाही मुगलाई हलचल। मुगलाई? अरे वो खाने वाला मुगलाई नहीं, सीधे सामने से आकर हमारे मुंह पर चैलेंज करने वाला मुगलाई। तुम्हारा मतलब वो असल में खाना नहीं है? कोवाल्स्की, कोई नहीं जानता वो असल में क्या है। तो कैसे पता चलेगा हम तैयार हैं या नहीं? आज वो सब पता चल ही जाएगा। बड़ी हलचल आज होगी? हाँ, आज वो बड़ी हलचल होने वाली है। आज करीब 4 बजे। खुशकिस्मती से मैं महीनों से उस बड़ी हलचल की तैयारी कर रहा था, और जब मेरा प्लान तैयार हुआ तो मैं समझ गया मुझे क्या करना है। मैंने प्लान को एक बक्से में लॉक कर दिया और अंधेरे का सहारा लेते हुए मैंने एक टॉप सीक्रेट जगह चुनी, जहां मैंने वो टॉप सीक्रेट प्लान गाड़ दिया। जू की ऐसी सुनसान जगह में जहाँ कोई इंसान या जानवर कभी नहीं जाता, पर जहाँ नए बच्चों का जू बन जाने के बाद हर कोई जाने लगेगा। क्या? उसी जगह पर बच्चों का जू बनने वाला है, उसका उद्घाटन आज है। दैट। हमारे पास सिर्फ 4 ही घंटे हैं। हमें वो प्लान्स चाहिए होंगे, उनका ध्यान हटाना होगा। लाइव 8.5 का चक चार्ल्स आया है, वही टीवी वाला। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सीधे सेंट्रल पार्क जू से, जहाँ नए बच्चों के जू का उद्घाटन होने वाला है। यही शुरुआत करनी होगी। मैं अंदर जा रहा हूँ। क्या स्किपर को मदद चाहिए होगी? हमारे स्किपर को? स्किपर, हमें आदेश दो ना। बाप रे, हमें उससे बाहर निकलना होगा। अब हम क्या करें? शुरू करो ऑपरेशन। वैन के भीतर फंस गया स्किपर। नाम थोड़ा अजीब है पर चल जाएगा। ऐसा क्यों किया? तुम्हें तो मुझे पकड़ना था। नहीं, हमें तो बस ताला खोलना था। स्किपर! अरे मेरा हेयर स्प्रे किसने छिपाया है? ओहो, यहाँ ये सब क्या हो गया? तुम ठीक हो स्किपर? मेरा शॉट खराब मत करो। मैं चक चार्ल्स हाजिर हूँ आप सबके लिए ताजा खबरें लेकर। क्या ये दीवार से बातें कर रहा है? जरूर उस न्यूज वैन में उसके साथ कुछ भयानक हुआ होगा। वैसे हाँ, ये हो सकता है कि स्किपर के दिमाग के इलेक्ट्रिकल रिसेप्टर्स ने उस वैन से आ रहे सिग्नल्स को पिक करके उसके दिमाग को ब्रॉडकास्ट में दिखने वाले बिहेवियर को कॉपी करने के लिए रिप्रोग्राम किया होगा। तुम्हारा मतलब? हाँ, इसकी हरकतों से ये साफ हो गया है कि स्किपर को हुआ है एंकरमनीजिया। मैं हूँ चक चार्ल्स और हम हैं आपकी लाइव एट 5 न्यूज टीम। गिलफोर्स देंगे मौसम की जानकारी स्कूट एल्वरेज स्पोर्ट्स के साथ, और हमेशा की तरह मेरा को एंकर बॉनी चैन। ये कौन है? पर वो बड़ी हलचल होने वाली है, हमें अभी उन प्लान्स की जरूरत है, और अगर वो हमें मिल भी जाए तब भी हमें स्किपर की जरूरत होगी। ठीक है, मैं कुछ लिक्विड्स और पाउडर्स को तब तक मिलाते जाऊंगा जब तक कोई इलाज नहीं मिल जाता। थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पर हूँ मेरी लाइव एट 5 टीम के साथ। तुम हो एक पेंगुइन। मौसम का क्या हाल है गिल? मैं प्राइवेट हूँ, देखो मैं ऐसे चलता हूँ, तुम भी ऐसे ही चलते हो क्योंकि तुम हो चक चार्ल्स, और मैं न्यूज बताता हूँ। देखो पेंगुइन तैरते हैं। तो लगता है आज भी मौसम गीला रहेगा। और ये है आज की खबर। स्टेटस रिपोर्ट। अब भी चक चार्ल्स और एंकर मनीषिया का इलाज भी अब तक तैयार नहीं हो पा रहा। हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। हाँ, और मुझे कम से कम 7,000 चाहिए साल। फिक्र मत करो रिको, स्किपर
चला गया। आज लाइव एट फाइव के इंटरव्यू में हमारे साथ है राजा जूलियन, पर तुम मुझे राजा जूलियन कह सकते हो। क्या आपको उन अफवाहों के बारे में कुछ कहना है? कौन सी अफवाहें? भोले मत बनिए, हम जानते हैं सब आपके शाही परिवार के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं। झूठ, सब झूठ, बंद करो ये इंटरव्यू। और अब कट। बढ़िया इंटरव्यू था। ओह थैंक यू। कुछ फल खाना चाहोगे? बहुत ही मजेदार और ताजे हैं। बस अंगूर को छोड़कर वो थोड़े से बासी हैं। कहीं आपके अंगूरों में मिलावट तो नहीं? पता चल ही जाएगा। और अब कट। ओह ये खबर काम की है। इस तरह भागा मत करो। खबर है जहां चकचाल से। अब इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि हम सबकी खैर नहीं। बॉनी, क्या तुमने आज नया हेयर स्टाइल बनाया है? बहुत अच्छा है। स्किपर जरूर चाहता कि हम जाकर वो प्लांट्स ले आएं। पर स्किपर के ऐसे होते हुए हम ये कैसे? आज की खास खबरों के लिए चलते हैं स्कूटर एल्वरेज के पास। मैं स्कूटर एल्वरेज नहीं हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता कि स्कूटर एल्वरेज क्या होता है। ठीक है, अब बस हमें ये काम उसके बिना ही करना होगा। पर जानता हूँ, हमारे पास और चारा भी क्या है। स्किपर यही चाहता कि हम उसके बिना भी काम पूरा करें। स्कूटर पर नजर रखो, आज अजीब बर्ताव कर रहा है। नहीं, मैं वो मैच के स्कोर्स यहाँ लाकर ही रहूंगा, वरना मेरा नाम स्कूटर एल्वरेडो नहीं एल्वरेज। भावनाओं को समझो। ठीक है, हम कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं चक, तो तुम बस यही रहना स्टूडियो में। मैप के मुताबिक हमें खुदाई करनी होगी वहाँ पर। इतने सारे लोगों के होते हुए ये काम कैसे हो पाएगा? सोचना पड़ेगा। स्किपर होता तो क्या करता? स्किपर होता तो जरूर एक क्रेन के ऊपर चढ़कर बैठ जाता। इससे हमारा काम कैसे होगा? काम नहीं होगा, पर स्किपर अभी वही कर रहा है। लीजिए पेश आज की खबर यहाँ ऊपर आसमान से। ये हमारा काम मुश्किल कर रहा है। मुश्किल? अरे मुश्किल तो हमारे जंगल के दो दोस्तों को हुई थी जब वो अपने इलाके के बजाय शेर के इलाके में घुस गए थे। एक महीने तक ठीक से बोल नहीं पाए। उसके बाद भी बहुत कम बोलते थे। इसलिए अगर ये काम मुश्किल भी हो तब भी नो प्रॉब्लम। तो चलो ये करके दिखाएं, और वो सब भी जो हमें करना है। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दर्द हो रहा है। तो ये थी इनकी बात। मैं हूँ चक चाल, सीधे यहाँ से। क्या मैं लाल वाला नीले वाले से जोड़ू या नीले वाला लाल वाले से? पता नहीं। वैसे ये सब बातें तो स्किपर ही तय करता है। अब सच सच बताना, मैं यहाँ से अच्छा दिखता हूँ या फिर यहाँ इस तरफ से? मुझे इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शायद अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो। रुको! वो प्लांट्स वहाँ है, चलो हमें जल्दी करनी होगी। मिल गया। यस। हमने अभी क्या किया? मुझे क्या पता डोजर किसने चलाया। आज की ताजा खबर, चक चार्ल्स और उसकी न्यूज टीम जिंदा दफना दी गई। चलो कम से कम हमने टॉप सीक्रेट प्लान्स को तो बचा लिया। पर अच्छा होता अगर हम इनके साथ जमीन में दफन नहीं हो रहे होते तो। हाँ रिको, अब बस बजने ही वाले हैं चार। तो हमें देखना चाहिए स्किपर का टॉप सीक्रेट प्लान। ये क्या है? क्या मेरी टीम बड़ी हलचल के लिए तैयार है? पता चल जाएगा। तैयार नहीं है। पर वो क्या है? क्या कोई भूचाल भूचाल आने वाला है? सब यही सोचेंगे कि कोई भूचाल आने वाला है, पर ये गलत है। नहीं, वो बड़ी हलचल हमारे सामने आई बड़ी चुनौती है। क्या होगा अगर टीम का एक मेंबर ना हो तो? क्या होगा अगर हमारे पास ना हो नन्हे प्राइवेट का दिल या कोवाल्स्की का दिमाग या रिको का बेइंतहा तबाही फैलाने का जज्बा? पता नहीं। फिर तो बहुत ही बुरा होगा। या फिर क्या होगा अगर टीम लीडर बेवजह ही एक अकड़ू न्यूज एंकर की तरह पेश आने लगे? क्या होगा बोलो। हाँ क्या होगा? एक मिनट, तुम एक्टिंग कर रहे थे? सही कहा। तो ये सब एक टेस्ट था जिसमें हमारी टीम कामयाब हुई। याहू, हम बड़ी हलचल के लिए तैयार हैं। हाँ, है तो साथ ही यहाँ हवा भी खत्म होती जा रही है। कोवाल्स्की, ऑप्शंस दो। रिको इसके नीचे एक धमाका करेगा जिससे पत्थर और मिट्टी की परतें तोड़ता हुआ बाहर निकल जाएगा। बस उसे कसके पकड़े रहना। इसमें तो बड़ा मजा आएगा। रिको,
समझ में नहीं आ रहा बुलडोजर अपने आप कैसे ऑन हो गया। हमने कर दिखाया। हमें कोई भी नहीं रोक सकता। हम जैसा कोई नहीं।